नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जगन मोहन रेड्डी की सीबीआई के दफ्तर में तलबी, ओबलापुरम मामले में 2 घंटे तक पूछताछ। ओबलापुरम केस में चंद्रबाबू नायडू के रोल की भी तहकीकात करने सीबीआई से जगन मोहन रेड्डी का मुतालिबा। रियासत में आईपीएस ओहदेदारों के बड़े पैमाने पर तबादले, रियासती हुकूमत के अहकाम। मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के मुलाजमीन को सुबुकदोशी का मुआवजा 20,000 रुपए से बढ़ाकर कर दिया गया 2,00,000 रुपए। खानदानी अराजी पर मुकम्मल कब्जा कर लेने का नापाक अजम, लालची भाई के हाथों बहनों का कत्ल। और हसन नगर में आरटीसी बस ने एक बाइक को टक्कर दे दी, मोटरसाइकिल सवार हलाक, बस ड्राइवर फरार। अब खबरें तफसील से। ओबलापुरम कांकनी केस में सीबीआई ने जगन मोहन रेड्डी को अपने दफ्तर तलब किया और 2 घंटे से ज्यादा तक पूछताछ की। इस मौके पर कोठी पर वाकई सीबीआई के दफ्तर के पास कशीदगी देखी गई, जहां वाईएसआर पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद जमा थी। सुबह से ही जगन की आमद के पेश नजर पुलिस के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। पुलिस को जगन के हामियों को काबू करने में काफी मुश्किल पेश आईं। सीबीआई दफ्तर के आसपास की दुकानात को भी बंद करा दिया गया था। जगन मोहन रेड्डी जैसे ही सीबीआई दफ्तर पहुंचे, उनके हामियों की जानिब से जबरदस्त नारेबाजी की गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वाईएसआर पार्टी के लीडर अब्दुल रहमान अत्तास ने कहा कि उन्हें अदलिया और कानून पर पूरा भरोसा है और जगन मोहन रेड्डी इस तरह की साजिशों से बाहर निकल आएंगे। ताहम उन्होंने यह भी इंतबाह दिया कि अगर जगन मोहन रेड्डी को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया तो रियासत आग का गोला बन जाएगी। सीबीआई मीद नमकम शाखा मीद नमकम హైకోర్టు మీద నమ్మకం ఉంది, సుప్రీం కోర్టు మీద నమ్మకం ఉంది, తప్పకుండా జగన్ గారికి న్యాయం జరుగుతాయి. ఒకవేళ ఈ ప్రభుత్వం ఢిల్లీ నుంచి పెద్దలు ఒత్తిడి చేస్తే, ఒకవేళ అరెస్ట్ చేస్తే రాష్ట్రం మొత్తం అగ్నిగుండం అవుతుంది. रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने ओबलापुरम कांकनी स्कैम में सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू के रोल की भी तहकीकात करने सीबीआई से दरखास्त की है। कोठी सीबीआई दफ्तर पर अहलदारों की जानिब से पूछताछ के बाद मीडिया से बात करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू हुकूमत की जानिब से 2002 में ओबलापुरम माइनिंग कंपनी को 64.2 एकड़ अराजी को लीज पर दिए जाने की तहकीकात का मुतालबा किया। जगन मोहन रेड्डी ने सीबीआई को लीज की दस्तावेजात भी पेश किए। जगन मोहन रेड्डी ने बताया कि 1996 में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने राम मोहन रेड्डी नामी एक शख्स को यह अराजी लीज पर दी थी और फिर 2002 में इस अराजी को राम मोहन रेड्डी से लेते हुए उसे ओबलापुरम माइनिंग कंपनी को दे दिया गया। जगन मोहन रेड्डी ने बताया कि पूरा मसला उस वक्त की हुकूमत का है और चंद्रबाबू नायडू हुकूमत ने इस सिलसिले में ओएमसी को अराजी लीज पर दी थी, इसलिए चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ तहकीकात की जानी चाहिए। जगन मोहन रेड्डी ने बताया कि उन्होंने तेलुगुदेशम हुकूमत की जानिब से जारी किए गए जियो की कॉपी भी सीबीआई के हवाले की है। जगन मोहन रेड्डी ने वाजे किया कि उन्हें गवाह की हैसियत से सीबीआई ने तलब किया था और उन्होंने सीबीआई को इस मसले से जुड़े सवालात के जवाब भी दिए हैं। जगन ने कहा कि रियासती वजीर दाखिला सबिता इंद्र रेड्डी को भी गवाह की हैसियत से सीबीआई तलब कर चुकी है। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के हामी बाज अखबारात और टीवी चैनल्स इस मसले पर अवाम को गुमराह कर रहे हैं, जबकि मीडिया को अपना रोल जिम्मेदारी से निभाना चाहिए और उन्हें चंद्रबाबू नायडू की जानिब से ओएमसी को दिए गए लीज माहिदों को भी अवाम के सामने लाना चाहिए। जगन मोहन रेड्डी के हमरा एमपी राजमोहन रेड्डी, अरकान असेंबली जी बाबू राव, टी बालाराजू के अलावा वाईएसआर पार्टी के लीडर अब्दुल रहमान अत्तास भी मौजूद थे। जगन मोहन रेड्डी जल्द ही गाली जनार्दन रेड्डी के साथ जेल में होंगे। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम रुकन असेंबली एम नरसिम्हलू ने यह बात कही। एम नरसिम्हलू ने कहा कि जगन को यह बात शायद नहीं मालूम कि चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ 22 बार तहकीकात हो चुकी हैं, लेकिन कुछ साबित नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी जगन मोहन रेड्डी गैर जरूरी इल्जाम लगा रहे हैं।
एन नरसिम्हन ने कहा कि जगन वजीर आला किरण कुमार रेड्डी के खिलाफ जब कुछ नहीं कर पाए तो चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं। ధరలు పెరిగాయనేటువంటిది కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు చెప్పుకున్నారు ధరలు పెరగవు అదేవిధంగా పేదవాడికి అందుబాటులో ఉండే ప్రభుత్వంగా ఉంటుందని ఆనాడు చెప్పుకొని అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 2004 నుంచి ఇప్పటి వరకు సుమారుగా యూపీఏ గవర్నమెంట్లో 24 సార్లు ఈ పెట్రోల్ ధరలు డీజిల్ ధరలు పెరగడం జరిగింది అసలు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ప్రతి నెల నెల పెరుగుతా ఉన్నాయి ఈ సంవత్సరం లోపలనే 6 సార్లు పెరిగింది। जगन मोहन रेड्डी का हकीकी चेहरा फिर एक बार आश्कार हो गया है। सीबीआई तहकीकात के बाद जवाबी हमले की आदत को जगन ने फिर एक बार पेश किया है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस रुकन असेंबली अनम विवेकानंद रेड्डी ने ये रिमार्क्स किए। उन्होंने कहा कि जगन को सिर्फ गवाह के तौर पर तलब किया गया था लेकिन उन्होंने इस मौके पर वावेला मचा दिया। अनम विवेकानंद रेड्डी ने कहा कि सीबीआई से पूछताछ की तफसीलात बताने के बजाय जगन ने कांकनी की मंजूरी का जीओ पेश कर दिया जबकि ये तहकीकात कांकनी की मंजूरी के लिए नहीं बल्कि उसमें हुई बेकायदियों के सिलसिले में की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कानून किसी का दोस्त नहीं होता और सीबीआई को इतने अख्तियार हैं कि वह किसी को भी अपनी तहकीकात के दायरे में ला सकती है। सीबीआई मुंदु ఎవరైనా ఒకటే ప్రధానమంత్రి అయినా సరే మంత్రులైన సమానమైనటువంటి అభిప్రాయం మన భారత कांग्रेस हुकूमत के पास ना तो दूरंदेशी है और ना ही उसे अपनी खामियों पर महासभा करना आता है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम रुकन असेंबली सुदेश भाटिया ने यह बात कही। उन्होंने पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर तनकीद करते हुए कहा कि ऑयल कंपनियों को नुकसान होने की वजह बताकर साबिक में पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया और अब रुपए की कीमत में कमी का बहाना बनाते हुए पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। उन्होंने बताया कि 2002 में अमरीकी डॉलर की कीमत 49 रुपये थी, आज भी उतनी ही है जब पेट्रोल 30 रुपये लीटर था, इसलिए मौजूदा हालात में भी पेट्रोल की कीमत 30 रुपये होनी चाहिए। उन्होंने MRRP के एक्ट के तहत ऑयल कंपनियों के मनमाने रवैये के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बागयामा के मुलाजमीन को सुबुकदोश और वफात पाने पर मुआवजे की रकम को 2 लाख रुपए कर दिया गया है। इस सिलसिले में अहकाम जारी करते हुए रियासती हुकूमत ने बताया कि माजी में मुलाजमीन के सुबुकदोश और वफात पाने पर 20,000 रुपए दिए जाते थे जिसमें इजाफा करते हुए 2 लाख रुपए कर दिया गया है। वाजह है कि महकमे अखलती बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सैयद अली रफत के सफर हज पर होने की वजह से महकमे खवातीन और बहबूद अतवाल की प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन दिनों महकमे अखलती बहबूद की जायद जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। रियासती हुकूमत ने बड़े पैमाने पर IPS अहदेदारों के तबादले किए हैं। 9 अहदेदारों का मुख्तलिफ अहदों पर रद्दोबदल किया गया। अमित गर्ग को एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर मुकरर किया गया। सतीश कुमार सेना DCP साउथ जोन होंगे जबकि नॉर्थ जोन DCP अकुंत सबरवाल को वरंगल APSP कमांडेंट की जिम्मेदारी दी गई है। इन तीनों के अलावा युवानंद को DCP माधवपुर, संतोष मेहरा सिट एडिशनल कमिश्नर, अब्राहम लिंकन पुलिस ट्रेनिंग अंबरपेट, तरुण जोशी ग्रेहॉन्ट्स और दीगर 2 शामिल हैं। आंध्र प्रदेश महिला कांग्रेस ने सोनिया गांधी को भारत रत्न देने का मुतालबा करते हुए करारदाद मंजूर की है। सदर महिला मोर्चा गंगा भवानी ने मीडिया से बात करते हुए फोर्ब्स मैगजीन में सोनिया गांधी को 11वां मुकाम मिलने पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की खिदमात काबिले सिताइश है। ईमार स्कैम में कोनेरू प्रसाद छोटी मछली है, इसके पीछे छुपे हकीकी चेहरों को सामने लाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए TRS रुकन असेंबली KT रामाराव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि ईमार स्कैम से बात सामने आ चुकी है कि आंध्रा सीमा वालों ने तेलंगाना के वसायल को किस तरह से लूटा है। KTR ने कहा कि बदनुमानियों के मामलों में कांग्रेस और अपोजिशन दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की जानिब से शुरू की गई माशी असलाहत की कोशिशों ने अवाम बिलखसूस किसानों को शदीद नुकसान पहुंचाया है जबकि इस असलाहत से चंद खानगी इदारों से वाबस्ता अफराद को ही फायदा पहुंचा है। MGF కేసులో భాగంగా కోనేరు ప్రసాద్ అనే ఒక వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేసిన వార్తలు ఈరోజు అన్ని మీడియా మాధ్యమాల్లో ప్రముఖంగా వచ్చిన విషయం అందరికీ తెలుసు. ఈ MR కుంభకోణం MR కేసు ఏదైతే 530 ఎకరాల భూమి
ఏ రకంగా దొంగలు దొంగలు కలిసి ఊళ్ళు వంచుకున్న చందాన ఏ రకంగా రాజకీయ నాయకులు సమాజంలోని ప్రముఖులు అధికారులు తమ ఉన్నత స్థానాలను ఏ రకంగా దుర్వినియోగం చేస్తూ ప్రజాధనాన్ని కొల్లగొడుతున్నారో చెప్పడానికి ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో అత్యంత విలువైన తెలంగాణ వనరుల్లో ఒకటైన భూమిని ప్రధానంగా హైదరాబాద్ చుట్టూ కేంద్రీకృతమైన భూమిని ఏ రకంగా గత 56 సంవత్సరాలుగా సీమాంధ్ర పాలకులు కొల్లగొడతా ఉన్నారో చెప్పడానికి ఇది ఒక మచ్చుతునక మాత్రమే ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हलके के आला सरकारी अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया और रक्षा बंडा प्रोग्राम के दूसरे मरहले के लिए तैयारियों व इंतजाम का जायजा लिया। रुकन असेंबली ने रक्षा बंडा के पहले मरहले में अवाम की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्तों पर अमलावरी के ताल्लुक से भी इस्तफसारात किए। महकमा बल्दिया की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा नहीं किया जाएगा। मेयर हैदराबाद कार्तिका रेड्डी ने ऐलान जुमेरात के दिन कई मीटिंगों के बाद किया। कौंसल सीडीपी और टीआईपी के जरिए फ्लाईओवर्स और सड़कों की तामीर के लिए 600 करोड़ रुपए के मसारिफ को एसबीएच के खर्च से पूरा करने का इरादा रखती है। महकमा पुलिस में भर्ती के ख्वाहिशमंदों के लिए खुली खुदबशाह स्टेडियम में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तरबियती कैंप में मुख्तलिफ मोहल्लेजात के नौजवान रुजू हो रहे हैं। महकमे पुलिस के खसूसी ट्रेनर सरदार गुरमीत सिंह और रियासती फुटबॉल खिलाड़ी फरीदुद्दीन नौजवानों को तरबियत दे रहे हैं। सीनियर स्पोर्ट्समैन महमूद अली ने नौजवानों को मशवरा दिया कि वह सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से फराहम की जाने वाली इस सहूलत से फ़ायदा उठाएँ। तकरीबन 250 बच्चे आ रहे हैं। आप नौजवानों से गुजारिश है अपनी सेहत के वास्ते फिटनेस के वास्ते सुबह 6 बजे से कैंप शुरू होता है। इसमें 3-4 फिजिकल ट्रेनिंग देने वाले मुकर्रर हैं। इंडियन आर्मी की जानिब से 4 और 5 नवंबर को जॉब मेला मुनक़िद किया जा रहा है। यह मेला बंदारी श्रीनिवास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करीब चोड़ला में मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ कॉलेजेस के बीटेक थर्ड ईयर में ज़ेर तालीम लड़के और बीटेक फोर्थ ईयर के तलबा तालिबा शिरकत कर सकते हैं। गाय की कुर्बानी को गावकुशी करार देने वाले बीजेपी चंद मुसलमानों को पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने दावा किया है कि बीजेपी में मजहब पर कायम रहने की पूरी आज़ादी है। बीजेपी के दफ्तर में चारमीनार और बहादुरपुरे से ताल्लुक रखने वाले चंद नौजवानों ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को बीजेपी से दूर रखने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा करती आ रही है। उन्होंने शहर के आवाम से अपील की कि बीजेपी को मजबूत करें। किशन रेड्डी ने पुराने शहर की पसमानदगी के लिए कांग्रेस और मजलिस को जिम्मेदार करार दिया। बलदी हल्के खदी मलकपेट में मुकामी मजलिस के ताउन से आरोग्यश्री हेल्थ कैंप मुनक़िद किया गया। मुख्तलिफ दवाखानों के माहिर डॉक्टर्स ने रुजू होने वालों के तिब्बी मुआयने किए और उन्हें दवाएं भी मुफ्त फराहम की गईं। अवाम की कसीर तादाद ने इस सहूलत से इस्तेफादा किया। वारिसगुड़ा सिकंदराबाद में पद्माराव नगर से पारसी गुट्टे को जोड़ने वाली सड़क बलदी अमले और मुतालका हुकाम की लापरवाही की मुंह बोलती तस्वीर बनी हुई है। पेश है हमारे नुमाइंदे मुश्ताक अहमद की रिपोर्ट। वारिसगुड़ा चिलकलगुड़ा पुलिस हदूद में आने वाला सिकंदराबाद का मसरूफ और गुंजान इलाका है, जहां के रहने वाले इन दिनों बल्दी ओहदेदारों की लापरवाही से मुश्किलात का शिकार है। इस इलाके में पद्माराव नगर और पारसी गुट्टे को जोड़ने वाली एक छोटी सी सड़क है, जो न सिर्फ मुतालिका हुकाम बल्कि मुकामी सियासी लीडर्स की लापरवाही की मुंह बोलती तस्वीर बनी हुई है। बमुश्किल एक फरलांग पर मोहियत इस रास्ते में बेशुमार मसाइल हैं। हर मसाइल उस वक्त दो चंद हो जाते हैं जब बारिश होती है। एक तो इस सड़क का स्लोप सही नहीं, इस पर अक्सर जगह जगह बीच बीच में गड्ढे पड़े हुए हैं, जहां बारिश और मोरी का पानी आकर जमा हो जाता है। उधर कचरे की कुंडी का हाल यह है कि इससे कचरे की निकासी का काम बल्दी अमले की मर्जी और मूड पर मुनसर है। ऐसी खराब आबोहवा में अक्सर ट्रैफिक भी जैम हो जाती है और राहगीर हता के मोटर सवार लोग भी अपने आप में औंटते और कुड़ते हुए गुजर जाते हैं। और यह कोई आजकल का मसला नहीं बल्कि एक अरसे से यहां पर यही सूरत हाल है।
مسجد قباء واقع خادر باغ کے مسلموں کو قریبی دواخانے کی پارکنگ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی افراد نے میڈیا کو بتایا کہ جب اس سلسلے میں محکمہ بلدیہ اور ٹریفک پولیس سے شکایت کی گئی تو دونوں نے مسئلے سے انجانی اختیار کی۔ رکن اسمبلی افسر خان کو اس کی اطلاع ملنے پر انہوں نے مذکورہ مسجد میں جمعے کی نماز ادا کی اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد اے سی پی ٹریفک سے بات کی اور انہیں ہدایت دی کہ 10 دن کے اندر دواخانے کی پارکنگ کو برخاست کر دیا جائے۔ دبیرپورہ ڈویژن کے کارپوریٹر شکیل محمود نے محکمہ جات، برقی، بلدی اور آبرسانی کے عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس طلب کرتے ہوئے عید الاضحیٰ کے انتظامات کے سلسلے میں ضروری ہدایت دی۔ اس موقع پر شکیل محمود نے بتایا کہ عید الاضحیٰ کے پیش نظر بلدی حکام کو صفائی کے مؤثر انتظامات پر توجہ دلائی گئی ہے۔ انہوں نے آبرسانی کے عہدیداروں پر بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر پانی کی مؤثر سربراہی کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ حیدرآباد سینٹرل کرائم اسٹیشن نے دھوکہ دہی اور جعلسازی کے ذریعے خومیہ ہوئے بینکوں، کار کے شو رومس اور اراضی مالکان کو لوٹنے کے الزام میں دو افراد کو گرفتار کر لیا۔ ڈی سی پی ڈی ڈی جے ستیہ نارائنا نے بتایا کہ وجے کمار چنکیا اور اس کے معاون مورتی ادالا کو 15 کروڑ روپے تک کی دھوکہ دہی کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا۔ بنجارہ ہلز کا ساکن اور ای اسٹور انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ کا ایم ڈی 33 سالہ چنکیا بلیک بیری کمپنی کو دھوکہ دینے کے کیس میں مطلوب تھا، جو بنگلور منتقل ہو چکا تھا۔ ایک قابل کمپیوٹر انجینئر ہونے کی وجہ سے اس نے دھوکہ دہی کے تمام منصوبے آسانی سے تیار کر لیے تھے، لیکن وہ بنجارہ ہلز میں گرفتار کر لیا گیا جسے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ خاندانی اراضی پر مکمل قبضے کے لالچ میں ایک شخص نے اپنی ہی دو سگی بہنوں کا بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس شرمناک جرم میں بسنت لال نامی شخص کے ساتھ اس کے دو بیٹے لکھن لال اور کرن لال بھی شریک تھے، جنہوں نے لیلا بائی اور منی بائی کا تلواروں سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ پولیس نے بتایا کہ بسنت لال کا اپنی بہنوں کے ساتھ خاندانی اراضی کے لیے تنازع چل رہا تھا، جس کا حل بسنت لال نے یہ نکالا کہ چند ماہ قبل راکھی بندوا کر جن بہنوں کی اس نے حفاظت کرنے کی قسم کھائی تھی، انہیں بہنوں کو اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آصف نگر پولیس نے بسنت لال کو گرفتار کر لیا ہے اور باقی دو قاتلوں کو تلاش کر رہی ہے۔ حسن نگر میں پیش آئے سڑک حادثے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے بتایا کہ جہانگیر پیرا سے چار مینار آ رہی آر ٹی سی بس نے حسن نگر کے پاس بائک پر جا رہے ایم اے ریڈی کو پیچھے سے ٹکر دے دی۔ ایم اے ریڈی مقام واقع پر ہی ہلاک ہو گیا، متوفی سینٹ میری کالج کا ملازم بتایا گیا ہے۔ بس ڈرائیور حادثے کے فوری بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ نرنمیٹ پولیس حدود میں ایک شادی شدہ خاتون نے عاشق کی مدد سے اپنے شوہر کا قتل کر دیا۔ بتا جاتا ہے کہ بھاگیا اور وینکٹ آپس میں میاں بیوی تھے، لیکن شادی کے بعد بھاگیا اور رمیش کے درمیان ناجائز تعلقات قائم ہو گئے تھے، جس پر ان دونوں نے اپنی محبت کا راستہ صاف کرنے کے لیے وینکٹ کے قتل کا منصوبہ بنایا اور جمعرات کی شام وینکٹ کو پہلے تو خوب شراب پلائی، اس کے بعد اس کا گلا دبا کر قتل کر دیا۔ نرنمیٹ پولیس نے کیس درج کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی ہاسپٹل منتقل کر دیا ہے۔ حبیب نگر پولیس نے میڈیا کی مداخلت کے بعد سرقے کا کیس درج کر لیا۔ پان کے ڈبے کے مالک نے میڈیا کو بتایا کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب ان کے پان کے ڈبے میں سرقے کی واردات پیش آئی تھی، جس میں سارقوں نے ڈبے کی چھت توڑ کر 1.5 لاکھ روپے مالیت کے ریچارج کارڈ، 20,000 روپے نقد رقم اور دیگر ساز و سامان کا سرقہ کر لیا تھا۔ حبیب نگر پولیس میں جب اس کی شکایت درج کروانے کی کوشش کی گئی تو پولیس نے کیس درج کرنے سے انکار کر دیا۔ بعد میں جب میڈیا وہاں پہنچی اور اس تعلق سے پولیس سے رجوع ہوئی تو پولیس نے کیس درج کر لیا۔ لنگر ہاؤس پولیس نے جعلی کرنسی چلانے والی 5 رکنی ٹولی کو گرفتار کر لیا ہے۔ سب انسپیکٹر جی سدھر نے بتایا کہ گرفتار شدہ افراد کا تعلق مغربی بنگال کے ضلع مالدہ سے ہے، جہاں سے وہ جعلی نوٹوں کو چلانے کے لیے 3 ماہ پہلے حیدرآباد آئے تھے۔ پولیس نے ایک مصدقہ اطلاع پر کاروائی کر کے ایک شخص کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، جو لنگر ہاؤس کی ایک دکان میں جعلی نوٹ کا تبادلہ کر رہا تھا۔ تفتیش کے بعد اس نے فراہم ہونی معلومات پر تلک روڈ کے ایک لاس سے پولیس نے باقی افراد کو بھی گرفتار کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار شدہ افراد کی عمر 21 سال سے کم ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان لوگوں نے اب تک حیدرآباد کی دکانوں پر 1,30,000 روپے کے جعلی نوٹوں کو چلایا تھا، جن میں 1,000 روپے کے نوٹ بھی شامل ہیں، جسے وہ بنگلہ دیش سے لائے تھے۔
फलकनुमा मदीना कॉलोनी में खातून मुश्तबा हालत में फौत हो गई। मुतवफिया की बेटियों का इल्जाम है कि उनके वालिद और सौतेले भाई ने ही उनकी वालदा का कत्ल किया है। जराए के मुताबिक 47 साल अब्दुल खादर ने 18 साल कबल मालन बेगम से दूसरी शादी की थी और उन्हें मालन बेगम से 3 बच्चे थे, लेकिन गुज़िश्ता चंद अरसे से मालन बेगम के साथ उनके इख्तलाफात चल रहे थे। बताया गया है कि मुतवफिया के शौहर अब्दुल खादर अपनी पहली बीवी के बेटे अब्दुलरहमान के साथ एक स्कूल भी चलाते हैं। मुतवफिया की बेटी असमा ने बताया कि जुमेरात की रात उनकी वालदा ने साथ में खाना खाया था और वो बिल्कुल सेहतमंद थी, लेकिन जुमे की सुबह उनके वालिद अब्दुल खादर ने उन्हें इत्तला दी कि उनकी वालदा की सांसें नहीं चल रही हैं। एम्बुलेंस को तलब किया गया, लेकिन तब तक वो फौत हो चुकी थी। मुतवफिया के 2 बेटियों और 1 बेटे ने इस मौत के लिए उनके वालिद अब्दुल खादर और सौतेले भाई अब्दुलरहमान को जिम्मेदार करार दिया। पुलिस अब्दुल खादर को अपनी तहवीन में लेकर पूछताछ कर रही है। रात में मेरे साथ अच्छा बैठे, मेरे साथ खाना खाया, उसके बाद मैं अपने रूम में जाके सो गई, उन्हें अपने रूम में जाके सो गए। सुबह को मेरे पापा खटका मार के उठा के बोल रहे, नहीं मम्मी इतनी सांस तेज चल रही तुम्हारी, हल्के बोले पूछे तो मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है बोल रहे। साहब बाद में लौटने के बाद मैं एम्बुलेंस को फोन करे, एम्बुलेंस वाले आके देखे बोले नहीं नहीं है अब सांस तेज चल रही उनकी, नहीं लग जा सकते बोल के छोड़ के चले गए मम्मी को। पापा बोल रहे मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है बोल रहे। रात में 12 बजे मम्मी मेरे साथ अच्छे थे, उनके बेटे के साथ मिलके उनकी थी कि हमारे मम्मी सेकंड वाइफ से उनके उनके फर्स्ट वाइफ का बेटे के साथ मिलके भी करे होंगे, हो सकता उन्हें बोला था इससे पहले भी हमारे मम्मी को मार डाल दो मिलके। गोपालपुरम पुलिस ने बेरोजगारों को नौकरी का झांसा देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सब इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ने मीडिया को बताया कि मंचरियाल का रहने वाला 25 साल मधु खुद के लिए नौकरी हासिल नहीं कर सका, लेकिन उसने दूसरों को नौकरी दिलाने का झांसा देते हुए करीब 2.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। उन्होंने बताया कि मधु इस काम के लिए फीकस 10 से 20 हज़ार रुपए लिया करता था। एक मुतासरा शख्स नागराज ने मधु के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने मधु को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया। मधु ने अपने जुर्म का इतराफ करते हुए बताया कि वो बेरोजगारी से मजबूर होकर यह काम शुरू किया था। रामगोपालपेट पुलिस को हुसैन सागर झील से एक शख्स की लाश दस्तियाब हुई। सब इंस्पेक्टर शोरचिया लक्ष्मी ने मीडिया को बताया कि मुतवफी की 20 साल सदानंद के नाम से शिनाख्त की गई है, जिसकी गुमशुदगी की शिकायत 3 नवंबर को गांधीनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश को वर्सा के हवाले कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार की नजर डालते हैं। जगन मोहन रेड्डी की सीबीआई के दफ्तर में तलबी, ओबलापुरम मामले में 2 घंटे तक पूछताछ। ओबलापुरम केस में चंद्रबाबू नायडू के रोल की भी तहकीकात करने सीबीआई से जगन मोहन रेड्डी का मुतालिबा। रियासत में आईपीएस ओहदेदारों के बड़े पैमाने पर तबादले, रियासती हुकूमत के अहकाम। मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के मुलाजमीन को सुबुकदिशी का मुआवजा 20,000 रुपए से बढ़ाकर कर दिया गया 2 लाख रुपए। खानदानी अराजी पर मुकम्मल कब्जा कर लेने का नापाक अजम, लालची भाई के हाथों बहनों का कत्ल। और हसन नगर में आरटीसी बस ने एक बाइक को टक्कर दे दी, मोटरसाइकिल सवार हलाक, बस ड्राइवर फरार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।